नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुखवास की रेसिपी, जो टोटली आपके घर में अवेलेबल सामग्री है उन सब से आप इसे बना के तैयार कर सकते हो। और इस मुखवास की खास बात ये है, अगर आप सफ़र में जाते हैं और आपको वॉमिटिंग होती है, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है जो अधिकतर सफ़र जो करते हैं उन्हें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये मुखवास परफेक्ट है। आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। और आप इसे कहीं ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपको आपकी हेल्थ थोड़ी अजीब सी लगती है, आपको कुछ वॉमिटिंग हो रही है या फिर आपको घबराहट हो रही है, तो आप इस मुखवास का ज़रूर सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और साथ में साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। तो ये मुखवास की रेसिपी ज़रूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना होगा आपको एक बाउल, ये लेना है आपको कांच का बाउल लेना है। और इसमें लेंगे सबसे पहले आपको खाने वाली यानी छोटे साइज़ वाली सौंफ 250 ग्राम, ये लेना है आपको लगभग 10 ग्राम अजवाइन। इसके बाद आपको ये नींबू का रस लेना है, ये लगभग एक बड़ा साइज़ का नींबू का रस एक कांच की कटोरी में निकाल लेना है। इसके बाद आपको इसमें लेना है काला नमक 1 टेबल स्पून लेना है, क्योंकि हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करने के लिए। अब इसमें लेना है आपको काला नमक, के बाद लेना है आपको सेंधा नमक, जो आप उपवास या व्रत में खाते हैं वो वाला नमक लेना है। अगर नहीं मिले तो आप सादा नमक से काम चला सकते हैं, पर सेंधा नमक लेंगे ना तो बहुत अच्छा है वो डाइजेशन के लिए। तो इसमें आपको लेना है काला नमक और सेंधा नमक, और इसको नींबू के रस में अच्छे से मिक्स कर लेना है कि दोनों अच्छे से घुल जाए। और अब आपको लेना है इसमें सादा पानी लेना है, क्योंकि हमें इसे मिलाना है सौंफ में। आप चाहे तो नींबू का रस और बढ़ा सकते हैं, सादा पानी की जगह ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादा खटास हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर सादा पानी का इस्तेमाल किया है। और इसे मैंने डाल दिया है सौंफ और अजवाइन में, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सौंफ अच्छे से इस पानी में भीग जाए। ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना नींबू के रस का, इसमें अच्छे से सौंफ भीग जाए। अब आपको लेना है इसमें तिल्ली, ये है लगभग 100 ग्राम के सफ़ेद तिल लेना है। और ये लिए खसखस, इसे भी लेना है तिल के बराबर लेना है, जितनी तिल ले रखी है उतनी खसखस लेना है। और खसखस को डालने से पहले पहले अच्छे से उनको चेक कर लेना है, कोई कचरा नहीं होना चाहिए, और इसे धो लेना है और फिर इसे थोड़ा सा धूप में सुखा लेना है। उसके बाद इस खसखस का आपको यूज़ करना है। मार्केट में मिलेगी खसखस आपको, पर उसको इस प्रकार से क्लीन ज़रूर करना है। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे हम एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। तो क्या होगा कि अच्छे से सौंफ को फैला देंगे ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद आपको एक लेना है स्टील की कढ़ाई, फ्राई पैन, मोटे तले की होना चाहिए, यानी कि हैवी बॉटम होना चाहिए कि उसमें कोई भी चिपकने का डर बिल्कुल ना हो। तो ये मैंने अमेज़न से ख़रीदी है, बहुत हैवी बॉटम है, बहुत हैवी है ये। अब आपको पंखे के नीचे जो सुखाने के बाद ये जो सौंफ कुछ इस प्रकार का टेक्सचर हो जाता है, पूरी तरीके से ड्राई नहीं होती है, तो इसलिए अब हम इसे कढ़ाई में सेकेंगे, यानी कि थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। और इसे लगातार चलाते रहना है, अगर आप चलाना छोड़ देंगे या फिर नज़र हटा लेंगे ना तो ये सौंफ जल सकती है, जिससे स्वाद खराब हो जाएगा। और ये सौंफ को, यानी कि ये जो सौंफ मुखवास है, इसे अगर आप कहीं सफ़र में ले जाते हैं और आपको वहाँ जी मचलाता है, सफ़र में होता है अधिकतर को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ये वाला मुखवास, बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए। अगर जिसको वॉमिटिंग होती है बार बार किसी वजह से, तो वो ये सौंफ खा सकते हैं, यानी कि ये मुखवास खा सकते हैं, बहुत बढ़िया उनका हेल्थ हो जाएगा और उन्हें बहुत काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगा। जैसे ये सिक गई है, रोस्ट हो गई है, तड़कने की आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी सौंफ की, तो इसके बाद ठंडा होने के बाद इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में रख लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सौगी यानी कि चामटी हो सकती है, तो इसलिए अब आपको इसको एयर टाइट बॉक्स में रख लेना है। और अब जहाँ भी सफ़र में जाते हैं इसे साथ ले जा सकते हैं, या फिर आप इसे खाना खाने के बाद रोज़ इसे खाते हैं ना, तो आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, और इससे इस मुखवास से आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा, क्योंकि इसमें खसखस है, तिल है और सौंफ है, जो कि स्किन ग्लोइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
तो काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें मिलाई हैं। तो ये बन गया है आपका परफेक्ट मुखवास, सभी को आप खिला सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब आपको बताना है ये मुखवास की रेसिपी आपको कैसी लगी, तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए बिना संकोच करें। और ये रेसिपी पसंद आई थी उसे लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटे के बटन को ज़रूर दबाना कुछ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली रेसिपी जानने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।